आज हमारे दरमियान हमारे मुल्क की एक बड़ी मायानाज आर्टिस्ट हैं, और आर्ट के अलावा इनका और बहुत सारे शोबों में बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक नामी गरामी ख़ानदान है पाकिस्तान का, जिसकी बहुत खदमात हैं इस मुल्क के लिए, और ख़ास तौर पे दही इलाके के अवाम के लिए, और फिर इसके अलावा तालीम के शोबे में, आर्ट के शोबे में, तदरीस के शोबे में, इन तमाम शोबों में इनका बहुत नुमाया किरदार रहा है। हमारे साथ आज शैला टिवाना तशरीफ रखती हैं। अभी हाल ही में इनकी एग्जीबिशन होने जा रही है नरंग आर्ट गैलरी में, इनके फनकारों की, बहुत आला दर्जे की आर्टिस्ट हैं। आज हमने इनको 101 CEOs के प्लेटफॉर्म पे, इनक्रेडिबल वुमेन CEOs के प्लेटफॉर्म पे आज इनको निजामत दी है। हमारे साथ वक्त गुजारें, तशरीफ लाएँ हमारे ऑफिस में, इन्होंने वक्त निकाला हमारे लिए। तो हम इनसे कुछ फॉर्मल से सवाल करना चाहते हैं, जो कि हम हर उस खातून से करते हैं जो हमारे पास तशरीफ लाती है। मैडम, अरे बड़े आम से सवाल हैं। पहला सवाल तो हमारा ये है कि आपका जो सफ़र है, आज आप एक नुमाया जगह पे, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे, एक अच्छे लेवल पे हैं, अब मुल्क में भी, मुल्क से बाहर भी, पाकिस्तान से बाहर भी, आपने जैसे बताया था कि आपको आर्ट की चीज़ें सब कुछ आता है, कनाडा में, UAE वगैरह, और आपने सफ़र कहाँ से शुरू किया, इंस्पिरेशन कहाँ से आई, फैमिली में से आई, बाहर से आई, किसी आर्टिस्ट को देख के आई, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। जी, मैं मेरे फादर बहुत वैसे तो बहुत इंटेलेक्चुअल अखबारों में लिखते थे, राइटर थे, लेकिन वो आर्टिस्ट भी थे, और उनको देख के, मतलब लाइक मैं 5 years की थी तो मैं उनकी पेंटिंग्स देख के, तो मैं ड्राइंग्स कर लेती थी उनकी। तो वो फिर आर्मी में थे, कर्नल थे, तो वो एक दफ़ा चले गए, तो वापस आए तो मैंने उनकी पेंटिंग कॉपी करके रखी थी, उनको बिल्कुल यकीन नहीं आया। फिर उन्होंने मुझे बहुत इंकरेज किया और उन्होंने मुझे सारे पेंट्स और चीज़ें सारी ला के दी, और मेरी फर्स्ट पेंटिंग, मतलब 5 years की मैं थी, और जो कुछ मैं बना सकती थी वो, मतलब मेरी एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा था। तो फिर उन्होंने मुझे, मैं पढ़ती थी, मैं नंस थी सारी टीचर्स, उनको फिर जब जी कॉन्वेंट में, जिस दिन मेरी मरी, तो उन्होंने फिर बहुत ज़्यादा, वहाँ सिस्टर मर्सिडीज थी, उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया, ये करती थी कि वो एक्चुअली, मतलब क्लास में वो सारे स्कूल के चार्ट्स मेरे से बनवाती थी, तो मेरा पीरियड वो, मतलब मुझे वो दे देती थी, एक घंटा फ्री दे देती थी कि आप काम नहीं करो, आप एक आर्ट का करो। और स्पोर्ट्स में मैं थी अच्छी और आर्ट्स में मैं अच्छी थी, तो वो फिर वो लोग मुझे ना स्पेशल, मतलब मेरे लिए कर देते थे कि आप ये काम कर दो स्कूल का, जितना स्कूल वर्क होता था, आर्ट वर्क, सारी क्लासेस में मेरे वो लगे होते थे, जी मैं करके देती थी। तो वो बहुत छोटी थी उस वक्त, बस फिर मुझे तो, मेरी तो मेमोरी में नहीं है कि मैंने सीखा कैसे, क्योंकि फादर के साथ ही मैं करती गई वो, फिर जी, उसके बाद फिर मैंने फाइन आर्ट्स रखी, फिर मेरे टीचर थे संगीती, उसके बाद फिर सईद अख्तर साहब मुझे मिल गए, उनके साथ जो है एकदम, मतलब सईद साहब के साथ जो एक सफ़र था कि वो मतलब कि आप 1 से 90 के ऊपर जो है ना, एकदम से, हाँ जी, नेक्स्ट लेवल, एकदम से वो टेक्निक के साथ जो टैलेंट था वो, फिर जो है, हाउ डिड यू मीट हिम? सईद साहब का ये, इन्होंने खोला था यहाँ पे, ये टीच करते थे आफ्टर, जब ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे ना उस वक्त से, हाँ जी, ओ ए लेवल्स को ये टीच करते थे, okay. तो इमराना टिवाना थी, ये अतिया नायतुल्ला की बेटी है, वो मुझे उनके वो टीचर थे, क्योंकि वो NCA की थी, तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, तो फिर मैं प्राइवेटली कोई 15 साल सर के पास जाती थी, वहाँ सारे कोर्सेज किए जो फिर प्रोफेशनली किए, जो मतलब के जो टेक्निक के साथ किए, तो उसमें मुझे फिर बहुत अच्छे टीचर्स मिले। फोटोग्राफी में मेलकॉम थे उस वक्त, 92 के इंटरनेशनल, उन्होंने पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान में आए थे, उनको यहाँ पे असाइनमेंट मिली थी, क्योंकि सर के पास सारे आती थी जो बाहर से लोग आते थे, तो वो आए थे यहाँ जो ये दरवाजे हैं ना सारे लाहौर के, उनकी असाइनमेंट करने आए थे, तो फिर उनको हमने कहा कि, तो वैसे ऑलरेडी हम लोग फोटोग्राफी के कोर्स कर रहे थे, तो फिर मेलकॉम के साथ आके मतलब हमने प्रोफेशनली वो किया, वो मुझे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और उनकी फिर मैं जब नहीं आती थी किसी दिन, तो वो क्लास नहीं देते थे, वो कहते थे कि वो आएगी तो मैं दूँ, मतलब इतना ज़्यादा मुझे वो मेलकॉम ने भी किया फोटोग्राफी में। फिर उसके बाद मैंने अपना आर्ट स्कूल बना लिया था,
लाहौर में। किस नाम से मैडम? मेरा असल में मेरा नाम मेरी दादी ने रखा था उज़्मा, लेकिन मेरा नाम शैला है, लेकिन वो फिर मैंने उज़्मा के नाम से किया था। उज़्मा स्कूल ऑफ आर्ट, उज़्मा आर्ट एंड डिज़ाइन। आर्ट जी, लेकिन मैं फिर बाद में थोड़ी देर के बाद दोबारा शैला आर्ट एंड डिज़ाइन कर दिया था, बिकॉज मेरा सारा पेपर वर्क शैला के साथ था। एनी वेज, वो फिर बहुत ही हमारा अच्छा मतलब एक्सपीरियंस रहा। सही डॉक्टर साहब के साथ कोलैबोरेट किया था, का बेटा उस्मान था, तो वो हमारे जितने स्टूडेंट्स थे ओ एंड ए लेवल के, उनके ए प्लस आए थे, क्योंकि मैं खुद उनको खुद सर से टेक्निक सीखी हुई थी जो लोग नहीं बताते नहीं। तो सारे टीचर्स होते हैं वो मेहनत नहीं करते इतनी, बताते नहीं, कहते खुद प्रैक्टिस करो, तो मैं उनको टेक्निक बता देती थी, तो उससे उनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता। आर्ट के साथ, बस आर्ट से रिलेटेड मैंने मतलब हर मीडियम हर काम किया, स्कल्पचर हो, रिलीफ हो, फोटोग्राफी हो, इंटीरियर हो, ड्रेस डिजाइनिंग, जो आर्ट का रिलेटेड है वो मैंने कोई चीज़ प्रोफेशनली हद तक सारा मैंने मतलब प्रोफेशनल लोगों से सीखा मैंने किया। मैडम इस जर्नी में ये देखा गया ऑब्जर्वेशन है, एंड इट इज क्वाइट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज राइटली सो कि विमेन आर नॉट बीइंग एनकरेज्ड एंड सपोर्टेड द वे दे शुड हैव बीन, स्पेशली इन दीज फील्ड्स, प्रैक्टिकल फील्ड्स प्लस आर्ट एंड कल्चर में। आर्ट की फील्ड में, फाइन आर्ट्स में, परफॉर्मिंग आर्ट्स में हमारे हाँ इतना ज़्यादा ख़वातीन को इनकरेज नहीं किया जाता। आपको तो मुश्किलों का सामना करना पड़ा? नहीं, मुझे स्पोर्ट मेरे फादर की थी, और मेरे हस्बैंड ज़्यादातर ज़मीन अपनी ज़मीन पे होते थे, तो मैं अपने फादर के साथ होती थी, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट करना हो, कुछ भी स्कूल बनाना था, उसमें बहुत सारा आपको पता है हर्डल्स होती हैं, तो फादर हमेशा खड़े होते थे, मेरे लिए तैयार होता था हर चीज़। और उसके बाद अब मेरी जो है डॉटर इन लॉज, दोनों माई ब्यूटिफुल डॉटर इन लॉज और माशाल्लाह दोनों बहुत प्यारी हैं, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इनक्रेज किया एग्जीबिशन, क्योंकि मैं सेल ज़्यादा कर देती थी, बाहर से ऑर्डर आया और उतना ही टाइम होता है, और बेसिकली आई एम पोर्ट्रेट आर्टिस्ट, तो मतलब घोड़ों के मैं पोर्ट्रेट बनाती हूँ, बंदों के तो बनाती हूँ, रोजेस के या जो मुझे शौक है टाइगर्स के। तो अब उन्होंने मुझे बहुत इनक्रेज किया कि आप स्टॉप करें ऑर्डर, और आप अपनी जो है ये इकट्ठे करें पेंटिंग्स एग्जीबिशन के लिए, तो इनकी सपोर्ट अगर नहीं होती तो मैं एग्जीबिशन ना कर रही होती। तो बच्चियाँ दोनों हैं बहुत प्यारी, मेरी एक का नाम इरेज है, एक का नाम अनम है, तो दोनों बेटियाँ मेरी, वो मेरी अपनी बेटी कोई नहीं है, लेकिन यही मेरी बेटी। माशाल्लाह, इन्होंने भी इतना इनकरेज किया कि इन्होंने मुझे जो है ना इतना सपोर्ट किया कि मैंने पूरा ये काम किया इनके। तो नेचर से आपको शुरू से लगा हुआ है? जी, जानवरों से, हॉर्सेस का। ओके, व्हाई हॉर्सेस? हॉर्सेस एक तो तिवाना क्लैन का, आपको पता है कि हम लोग के तो बच्चे मतलब राइडिंग छोटे 5 साल के होंगे तो वो घोड़े हमारे लिए अंदर आ जाते थे लेडीज का, और हमें शौक था, और फिर वो फार्म के जो मतलब अपने हॉर्सेस होते हैं, फिर जैसे मेरे अंकल है या कुछ है, वो जब घोड़े थक जाते थे फिर हमें मिल जाते थे राइडिंग के लिए, तो वो उनको देखना, उनके साथ उनका मतलब घोड़ों का हमारे ब्लड भी मेकल है, तिवानास के ब्लड में, तो मुझे सबसे पहले जो मैंने ये पेंटिंग्स की ही ड्राइंग्स मैंने घोड़ों की, मुझे बहुत ज़्यादा, मेरे फादर ने बहुत खूबसूरत की हुई थी तो मैं उनकी कॉपी करती थी, तो उसके बाद फिर ओरिजिनल मैंने खुद ही किया। फिर सईद साहब के साथ जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि वो हॉर्सेस के, वो मुझे हंसते थे कि तुम्हारी मेरी दोस्ती हॉर्सेस की वजह से। लेकिन मैडम एक चीज़ जो बड़ी अजीब सी लगती है, उसमें आपकी हिम्मत का भी दखल होगा, आपके वाले साहब की सरपरस्ती का भी, बट जनरली देयर इज अ कॉन्सेप्ट कि जी जो फ्यूडल फैमिलीज हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स की जो फैमिलीज हैं, उनमें ख़वातीन जो हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, एंड दे आर नॉट दैट काइंड ऑफ आउटगोइंग, यानी उनके तालीम की हद तक भी, इवन उनको जब तालीम हासिल करनी होती है लड़कियों को, कॉलेज यूनिवर्सिटी को इतना इनकरेजमेंट नहीं होती। आप तो बाहर भी गई, तो माशाल्लाह आपने ऐसी फील्ड चुनी कि जो बहुत ज़्यादा आउटगोइंग फील है, जिसमें काम भी बहुत जगहों पर आपको करना होता होगा, तो आपको कभी फैमिली की तरफ से किसी ने कहा हो या कहीं से वालिदैन को प्रेशर डालोगे कि लड़की को क्या करा दिया, व्हाई यू हैव पुट हर इनटू दिस पोजीशन? जी, जब मैं 14 इयर्स की हुई तो मेरे चाचा ने मेरी राइडिंग बंद करवा दी। अच्छा। ये एक अकेली लड़की होती है वहाँ पे और वो सारे आदमी होते हैं एनीवेज, तो लेकिन ये कि मेरे फादर भी पढ़े लिखे थे, मेरे दादा बहुत पढ़े लिखे, उनकी बुक आज भी म्यूजियम इंग्लैंड में पड़ी हुई, मेरे मनीर उन्होंने लिखी थी। अच्छा।
और मेरे फादर भी राइटर हैं, सईद टिवाना जो है, सितारा जुरत, वो भी काफ़ी फेमस है अखबार में, तो उनका मतलब आपके बारे में नहीं, मेरे वो चाचा थे, चाचा, मेरे फादर भी राइटर, चाचा भी राइटर, और मेरे फादर का नाम आपने क्या बताया? खिज़र टिवाना, खिज़र टिवाना, कर्नल खिज़र टिवाना, जी, बड़ी मशहूर मारूफ शख्सियत जी। और फिर ये था कि क्योंकि इनके एक्सपोजर था मेरे फादर का भी बाहर का, और मेरे हस्बैंड भी अमेरिका से पढ़े हुए, मेरे बच्चे भी, तो फिर इन्होंने मतलब हमारी फैमिली थोड़ी सी निकल गई थी उस मतलब गांव के माहौल से, तो उन लोगों ने मुझे इनकरेज किया, और मतलब रिस्पेक्टेबल चीज़ थी, मतलब आर्ट का कोई मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि वो मुझे इस पे मना करते, तो इनकरेज किया सब ने, मेरी अब बच्चियाँ बहुत ज़्यादा मुझे इनकरेज कर रही हैं। अच्छा, ये तो आपके लिए ब्लेसिंग है कि यूजुअली होता ही है कि हमारे फ्यूडल फैमिलीज में उनकी ख्वाहिशात, उनके ख्वाब, वो कभी पूरे नहीं होते, और वो बस एक आर्टिफिशियल सी दुनिया में रहना पड़ता है उनको। एक बात भी होती है, पैसा भी होता है, सबको ज़मीनें भी होती हैं। मैडम, आखिरी आपसे गुजारिश ये है, जो हमारे यहाँ यहाँ रवायत भी है, द एंड ऑफ द इंटरव्यू, आप ख़वातीन के हवाले से एक जो फिक्र बोल दीजिए कि किस वक्त जो खवातीन है, उनकी क्या पोजीशन है, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना इम्पॉर्टेंट है माशरे में, किसी भी माशरे में, हमारे माशरे में, तो यहाँ ज़्यादा ज़रूरी है, और कोई पैगाम जो आप देना चाहती हैं अपनी जैसी बहादुर खवातीन के लिए, या आने वाली जो यंग बच्चियाँ हैं उनको मैसेज, क्योंकि आप तो इस सब प्रोसेस से गुजरे हैं, आपको मैसेज क्या होगा? बस मतलब बेसिकली मैसेज ये है कि हम औरतें ही औरतों की दुश्मन बन जाती हैं, और जब हम लोग एक हम अपने बच्चों को क्यों नहीं बताते कि वो मतलब जब उनकी बीवियां आती हैं तो हम सास बन जाती हैं, अगर हम अपने बच्चों की ट्रेनिंग करें कि वो औरतों को इनकरेज करें, और हम अपनी बच्चियों की, बेटियों की, या बहुओं की, या जो भी घर में, मतलब आपकी एक जब इस एज में आपका एक घर में मकाम होता है तो उस टाइम आपकी बात सुनी जाती है। हमारे माशरे में ये एक बहुत प्यारी बात है कि जितनी उम्र बड़ी होती है उतनी हमारी रिस्पेक्ट औरत की ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे ये नहीं होता कि एज बड़ी हो गई है तो उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट हो जाती है। बेटे सुन रहे हैं, बेटियाँ सुन रही हैं, तो औरतों को हम सपोर्ट करें कि बच्चियों को काम करने दो, पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं, और अपनी बेटियों को हम जो है इनक्रेज करें कि जिस चीज़ में उनका मतलब जो उनका शौक है, जो उनका ट्रेंड है, ये नहीं कि ये जो है ये बंदा ये पसंद नहीं कर रहा, वो पसंद, जिसका शौक है उसको वो करने दें, वो काम पूरे करने दें। सिर्फ शादी ये तो नहीं कि वो बच्चे पालें और घर में बैठ के वो मतलब घर का हिसाब देखें, उनको हर बंदे का एक शौक है, उसको कुछ करने का दिल है, उसको उस फील्ड में जाने दो, इनकरेज करो। मतलब एज अ अब जब आपकी आपको एक मकाम मिल जाता है सोसाइटी में, आप सास बन गए हो आपका, तो उस वक्त आप इनकरेज करो, आप माँ बन गए हो तो अपनी बेटियों के लिए फादर के साथ आप कहें कि इसको ये करने दें। हम खुद औरतें जो है ना कहते हैं हाँ नहीं मेरे साथ ये हुआ था तो इसलिए इनको भी ज़रूरत नहीं है, हमेशा ये करती हैं औरतें, और वो फिर उनका भी हक जो है वो तो फायदा होता है ना मैडम। हाँ ऑफकोर्स, अगर औरतें पढ़ी लिखी और उनका एक्सपोजर होगा, वो बजाय बैड बाइटिंग करने के वो कुछ कंस्ट्रक्टिव काम कर रही होंगी, तो आपकी पूरी सोसाइटी मतलब कि डिप्रेशन में नहीं होगी ना। अगर माँ डिप्रेशन में है, ये औरत डिप्रेशन में, वो बच्चा पाल रही है छोटी, तो वो बच्चा उसके बच्चे का आपको सोचें कि उसके उसकी अपब्रिंगिंग में क्या आ जाएगा, वो ग्रोथ तो नहीं करेगा ना, वो डिप्रेशन देख रहा होगा। डिप्रेशन जी, तो औरतों को इनकरेज करना चाहिए, औरतों को यानी। बहुत शुक्रिया मैडम आपकी तशरीफ लाने का, आपके वक्त देने का, और हम आपके बहुत मशहूर हैं, और वन वन की तरफ से भी, मैडम निशान ज़िया राजा की तरफ से भी, हमारी पूरी टीम की तरफ से, हमें बहुत खुशी हुई है, और वी फील ऑनर्ड दैट यू गिव अवार्ड, और बड़ा बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया।